अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम है आपको एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज बात करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के न्यू ओपनर आबिद अली के बारे में, कि आबिद अली वर्ल्ड कप के स्कोर में शामिल हो पाएंगे कि नहीं, और उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया है या नहीं, और कितने पॉइंट्स हासिल किए फिटनेस टेस्ट में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेल कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में शमूलियत के उम्मीदवार आबिद अली ने अपनी फिटनेस टेस्ट की इब्तदाई तौर पर आजमाइश कर ली है। दोस्तों पाकिस्तान वनडे कप में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करने वाले 31 साल ओपनर जुमे को फाइनल से काबिल दो रोज का वफा होने की वजह से लाहौर आए थे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान इंफरादी तौर पर इन्होंने अपनी फिटनेस टेस्ट को जांचा। दोस्तों जराये के मुताबिक यो टेस्ट में आबिद अली ने 17.4 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, जो कि बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए 17 पॉइंट्स लाजमी चाहिए थे। अगर 17 पॉइंट से कम होते तो शायद आबिद अली नहीं होते वर्ल्ड कप में। दूसरी जानब बाबर आजम, शदाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद हसनैन के साथ शाहिन जाफरीदी और फहीम अशरम ने भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ट्रेनिंग और फिटनेस टेस्ट की तैयारियों का आगाज कर दिया है। सबकी पूरी कोशिश है कि फिटनेस टेस्ट की तैयारियों में कोई कसर बाकी न रखी जाए। आबिद अली पाकिस्तान कप के फाइनल में शिरकत के लिए रावलपिंडी रवाना हो गए थे। याद रहे कि वर्ल्ड कप के उम्मीदवार कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 15 और 16 अप्रैल को नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगी। दोस्तों वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 18 अप्रैल को किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम पाकिस्तान कप में परफॉर्मेंस की बात करें आबिद अली की, तो आबिद अली ने जबरदस्त इनिंग खेली है वहां पर। दोस्तों 5 मैचेस में उन्होंने 263 रन बनाए, अगर एवरेज की बात करें तो 52 की एवरेज बनती है। दोस्तों याद रहे कि फाइनल में खैबर पख्तूनख्वा आबिद अली की जबरदस्त सेंचुरी की वजह से ही जीता। अगर फाइनल में नजर डाले तो खैबर पख्तूनख्वा से फाइनल में भरपूर मुकाबले के बाद बलोचिस्तान की टीम को सिर्फ 9 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा। फतेह इलेवन ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर 307 रन का मजबूती हदफ दिया। ओपनर आबिद अली ने 132 रन की शानदार इनिंग खेली, जिसमें 12 चौके शामिल और 3 छक्के शामिल रहे। सलमान भट्ट 2 रन के मेहमान साबित हुए। आबिद अली ने वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने आने वाले मोहम्मद साद के हमरा दूसरी विकेट के लिए 136 रन जोड़कर टीम का टोटल 139 रन तक पहुंचाया। उसके बाद साद का हिस्सा 51 रन रहा। आदिल अमीन 1 और खुशदिल चाह 2 इस बार ज्यादा देर विकेट पर कयाम मुमकिन नहीं बना सके। जोहेब खान 27 रन बनाकर निमायर रहे। उसके बाद 238 पर टीम की 2 विकेटें गिरी। टॉप स्कोरर आबिद अली के बाद अदनान अकमल 14 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि सोहेल खान और वहाब रियाज ने मजीद कोई नुकसान किए बगैर टोटल 307 रन तक पहुंचा दिया। सोहेल खान ने 20 गेंदों पर 45 रन नॉट आउट बनाए, जबकि वहाब रियाज 21 बॉल्स पर 22 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। अली इमरान ने 48 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा, जबकि हारिस सोहेल ने 41 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। बलोचिस्तान की जवाबी इनिंग में मुकर्रा ओवर में 9 विकेटों पर 298 रन तक की महदूद रही। अवेजिया और जीशान अशरफ के दरमियान 35 रन की ओपनिंग शराकत का खात्मा मोहम्मद इरफान के हाथों हुआ। जीशान 16 रन बनाकर बोल्ड हो गए। कप्तान असद शफीक और अवेजिया ने टोटल 127 रन तक पहुंचाया। असद शफीक 48 रन के इंफरादी स्कोर पर, जोएब की गेंद पर अदनान अकमल के हाथों स्टम्प आउट हो गए। उमर अकमल 23, अली इमरान 27 और बिस्मिल्ला खान 20 रन बनाकर पवेलियन वापसी लौटे। अवेजिया 83 रन पर हिम्मत हार गए। इनकी इनिंग में 10 चौके शामिल रहे। फवाद आलम 48 के इंफरादी स्कोर पर मैदान छोड़ गए। इमाद भट्ट 11 और हारिस रौफ 8 रन से आगे नहीं बढ़ पाए। उमर खान और मोहम्मद इरफान 1-1 रन पर नॉट आउट रहे। सोहेल खान ने 3 और उमेद आसिफ ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। पाकिस्तान कप की फतेह टीम खैबर पख्तूनख्वा को विनर ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपए कैश दिए गए, जबकि बलोचिस्तान को रनर ट्रॉफी के साथ 10 लाख रुपए कैश दिए गए। इवेंट के बेहतरीन बैट्समैन का अवार्ड उमर अकमल ने वसूल किया। बेस्ट बॉलर वहाब रियाज और इमाद भट्ट, जबकि बेहतरीन ऑलराउंडर हमाद आजम करार पाए। तो दोस्तों यही थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।